दोस्तों केयूके से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और जरूरी जानकारी है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्राइवेट डिस्टेंस के जो यूजीपीजी कोर्सेज के एग्जाम्स होने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, उन कोर्सेज के स्टूडेंट्स किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन स्टूडेंट्स ने प्राइवेट वाले पोर्टल से अपना फॉर्म भरा था, चाहे फुल पेपर का भरा था, री का भरा था, कंपार्ट का भरा था, एडिशनल का भरा था, वो किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो आपने अपने फ़ोन के ब्राउजर में iumskyuk.ac.in ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक पर आ जाएंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने फिर प्राइवेट कैंडिडेट पोर्टल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से नया इंटरफेस, एक बार फिर से नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही इंटरफेस ओपन होगा यहाँ पर नीचे आपने ऑलरेडी रजिस्टर्ड एप्लीकेंट पर यहाँ पर नीचे आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। डिटेल्स में यूजर नेम में आपने अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, जो ईमेल आईडी आपने फॉर्म भरते वक्त इस्तेमाल की थी वो एंटर करनी है, जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपने एंटर करना है। पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर जाकर जानकारियाँ भर के आप जानकारियाँ प्राप्त करके पासवर्ड रीसेट करके फिर से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप ये भूल गए कौन सी ईमेल आईडी दी थी तो फॉरगॉट यूजर नेम पर जाकर जानकारियाँ भर के जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जानकारियाँ प्राप्त करने के बाद जो आपकी आईडी पासवर्ड है उसके साथ आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम और नीचे आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का विकल्प दिखाई देगा। जैसे ही एग्ज़ाम पर आप क्लिक करेंगे उस पर एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड एडमिट कार्ड और बाकी विकल्प आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको ये विकल्प दिखाई देंगे, यहाँ पर जैसे आप एग्ज़ाम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपका एलिजिबल किया गया यानी कि आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं लगी है, और अगर लगी थी तो आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे जो मांगे गए थे, उसके बाद आपकी डिस्क्रिपेंसी हट गई थी तो आप एलिजिबल हो गए हैं, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी नहीं हटी है और डेट ओवर हो चुकी है तो आप यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी डिस्क्रिपेंसी ठीक करवा सकते हैं। जिनकी डिस्क्रिपेंसी लगी हुई है वो अपनी डिस्क्रिपेंसी ठीक करवा लें। चाहे आपने अपना फुल पेपर का, एडिशनल का, इंप्रूवमेंट का, कंपार्टमेंट का जो भी फॉर्म इस पोर्टल से भरा था वो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जानकारियाँ आ जाएंगी कि आपने कौन कौन सा फॉर्म भरा हुआ है, कौन कौन से ईयर का कोर्स का आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर इस कैंडिडेट का है बीए सेकंड ईयर का फुल पेपर का है, तो यहाँ पर विकल्प आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड का। और आप अपना यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो एडमिट कार्ड की पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड करके पीडीएफ देख पाएंगे, उसमें आपकी जानकारियाँ रहेंगी। और ऐसे ही आपका चाहे वो बीए का है, एमए का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकंड ईयर का है, फुल पेपर का है, कंपार्टमेंट का है, रीअपीयर का, एडिशनल का, इंप्रूवमेंट का, जो भी है वो इसी तरीके से आप चेक कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म प्राइवेट वाले पोर्टल से भरा था वो इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। और जो प्राइवेट कैंडिडेट का एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको दिखाया जाएगा। आप बात करते हैं जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से अपना एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में यहाँ पर सर्च बार में आपने टाइप करना है प्रिंट रोल नंबर .kuk.ac.in। जैसे ही आप इस पोर्टल पर आएंगे यहाँ पर आपको जानकारियाँ देखने को मिलेंगी, एग्ज़ाम की इंस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपने डाउनलोड एंड प्रिंट योर रोल नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लास टाइप में डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी आपकी क्लास है, कोर्स है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी फिलहाल कुछ ही कोर्सेज के एडमिट कार्ड यहाँ पर अपलोड किए गए हैं, जल्दी कुछ और कोर्सेज के और जितने भी कोर्सेज हैं डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स के उनके एडमिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपका कोर्स है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने नाम के कुछ अक्षर एंटर करने, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, मदर नेम, फादर नेम, जो भी आपकी जानकारियाँ वो आपने अच्छे तरीके से मैच कर लेनी है। और उसके बाद जो भी आपकी सही जानकारियाँ हैं उसके सामने जो आपका एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंगली प्रिंट का जो आपका विकल्प रहेगा उस प्रिंट वाले विकल्प पर क्लिक करके आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है, फिर उसका प्रिंट निकलवा लेना है। और डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड पर अपनी फ़ोटो जरूर लगा लें और सिग्नेचर जरूर कर लें। और जो प्राइवेट वाले कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है वो भी आपको दिखा देते हैं एक बार। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ ओपन करेंगे, आपको अपने एडमिट कार्ड पर जानकारियां देखने को मिल जाएंगी, सेशन, कोर्स, स्टूडेंट टाइप नेम, फादर नेम, मदर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर का नाम और जो आपके सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर मेंशन होंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक चिंता रहती है कि हमारे एडमिट कार्ड पर डेट और टाइम मेंशन नहीं है, तो जो आपकी एग्ज़ाम की डेट और टाइमिंग है वो आपको डेट शीट में चेक करनी पड़ेगी, डेट शीट से ही आपको मैच करनी पड़ेगी। वहीं पर आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग और एग्ज़ाम की डेट्स लिखी होती हैं, इसीलिए ही डेट शीट जारी की जाती है। एक तरफ आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर दिखाई दे जाएंगे, उसके बाद नीचे की तरफ जो भी एग्ज़ाम संबंधी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने एडमिट कार्ड पर ये कुछ जानकारियाँ देख पाएंगे।
स्टूडेंट्स का यही सवाल रहता है कि हमें अपने एडमिट कार्ड पर जो एग्ज़ाम की डेट्स टाइमिंग है वो नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए आपको बार बार यही सुझाव दिया जाता है कि आप अपने कोर्स की ईयर की डेट शीट चेक जरूर कर लें, और जो भी डेट शीट आती है उसी के अकॉर्डिंगली ही आपके फुल पेपर के एडिशनल इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट रीअपियर इत्यादि के एग्ज़ाम होते हैं। तो ये तो था यूजी कोर्स का यानी कि बीए पार्ट टू वाले कैंडिडेट का एडमिट कार्ड। बीए फर्स्ट ईयर के भी एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए गए हैं, एमए के भी अलग अलग स्ट्रीम्स के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए गए हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एमए हिंदी का पार्ट वन वाले कैंडिडेट का एडमिट कार्ड है, डिटेल्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और उसके बाद एग्जाम संबंधी जरूरी दिशा निर्देश यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और इस बार अटैम्प्ट 95 का कोई विकल्प नहीं दिया गया, क्वेश्चन पेपर पर दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली ही आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप एग्ज़ाम हॉल में लेकर ना जाएं, जो भी जरूरी दिशा निर्देश हैं वो आप अच्छे तरीके से जरूर पढ़ लें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने फार्म भरे थे या जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो बताए गए तरीके के अकॉर्डिंगली अपने एडमिट कार्ड चेक जरूर कर लें। जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए हैं वो इंतज़ार कर लें, जिनकी डिस्क्रिपेंसी लगी हो वो डिस्क्रिपेंसी क्लियर करवा लें, और जो डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ़ीस पेंडिंग है वो अपनी फ़ीस पे करें, उसके बाद ही उनको एलिजिबल किया जाएगा, एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। जिनके एडमिट कार्ड रुके हुए हैं, जिन जिनको मैसेज आए हुए हैं फीस को लेकर या फिर कोई भी मैसेज डिस्टेंस वाले स्टूडेंट्स को आया हो, तो उसको आप सोल्व जरूर कर लें। जानकारी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय प्रतिक्रिया सुझाव जरूर दें।